इधर अंदर अभी देखो माइक्रोमीटर के बारे में, इसके पहले मैंने बताया था आप सब लोगों को, ये पता होगा कि यहाँ पे ये क्या होता है, नर्लिंग। इसके ऊपर थिम्बल के ऊपर, थिम्बल के ऊपर क्या होती है, नर्लिंग की वजह। तो नर्लिंग करने का मतलब क्या होता है, और ग्रिप को रीडिंग करते समय उसकी ग्रिप हाथों को पकड़नी चाहिए, इसलिए वहां पे क्या होता है, नर्लिंग की हुई होती है। समझ में आया? तो अभी देखो मटेरियल ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की जो फ्रेम होती है वो कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। आ समझ में? माइक्रोमीटर की जो फ्रेम है, फ्रेम नीचे दी हुई है जिसके ऊपर 0 टू 25 mm ऐसे लिखा हुआ है, वो माइक्रोमीटर की क्या है, फ्रेम है। तो फ्रेम ये किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। और दूसरा पार्ट क्या है, एनविल और स्पिंडल, और बाकी की सब बॉडी ये निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है, निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। और निकेल क्रोमियम स्टील और बाकी देखो, ये एनविल और स्पिंडल के दोनों भी फेस, फेस मतलब आगे का भाग, दोनों भी फेस जब मैच होते हैं तभी वो जीरो मैच होता है। तो दोनों भी फेस के ऊपर एक कार्बाइड टिप लगी होती है। कार्बाइड टिप क्यों लगी होती है, क्योंकि जांब के बार बार संपर्क में आने से वो स्पिंडल घिसना नहीं चाहिए, तो इसीलिए कार्बाइड टिप एक हार्ड धातु होता है, वो धातु की टिप माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल पे लगी हुई होती है। समझ में आया? अभी समझ में आया? माइक्रोमीटर का मटेरियल निकेल क्रोमियम स्टील, उसकी फ्रेम किससे बनती है, कास्ट आयरन से बनाई जाती है। और माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप व थिम्बल के ऊपर नर्लिंग की हुई होती है। तो नर्लिंग करने का कारण क्या है, कि हाथों से वो स्लिप नहीं होना चाहिए। तो और उसका इरोर के साथ भी कनेक्शन है। तो हम लोग जब हाथ से ताकत लगाते हैं तो वो कंटिन्यूअसली नहीं हो सकती है, कभी ज्यादा लग जाएगी, कभी कम हो जाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए रैचेट स्टॉप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रैचेट स्टॉप। तो रैचेट स्टॉप से क्या होता है, जितना प्रेशर उसको, दबाव उसको चाहिए, उतना ही प्रेशर वो स्पिंडल क्या करेगा, सहन करेगा। ज्यादा की लगी हुई ताकत अगर ज्यादा लग गई तो वो अपने ही अपने आप घूमने लगेगा, मतलब वो प्रेशर स्पिंडल को नहीं देगा। हाँ समझ में? फिर वो रैचेट स्टॉप आवाज करने लगेगा अगर उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दिया जाए तो। लेकिन वो ज्यादा का प्रेशर वो खुद सहन कर लेगा, वो स्पिंडल की तरफ जाएगा नहीं, तभी वो इरोर जो होता है, वो त्रुटि कम से कम होती है। हाँ समझ में? अगर हम लोग जीरो, जब कोई भी पार्ट एक मेजर करते हैं तो मेजर करते समय डायरेक्टली हाथों से ही अगर उसको घुमाते हैं तो क्या होगा, इरोर तो आएगा, क्योंकि हम लोग जरूरत से ज्यादा अगर ताकत लगाते हैं तो उसमें जीरो मैच नहीं होगा, कोई लाइन किससे मैच नहीं होगी, वो ज्यादा की ताकत लग जाएगी और जो थिम्बल होता है वो डिवीजन क्रॉस कर लेगा, वो डिवीजन क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, तभी निगेटिव इरोर आएगा। हाँ समझ में? तभी क्या आएगा, निगेटिव इरोर आएगा और पॉजिटिव भी इरोर आ सकता है। अभी समझ में आया?